कोर्ट का आदेश हुआ है एफआईआर करने के लिए, और ये एफआईआर सिर्फ निर्मला जी पर नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर होनी चाहिए। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। देखो, चंदा दो धंधा लो, ये स्पष्ट तरीके से सामने आ चुका है। और जिस तरह से छुपाने की कोशिश की, तो हम तो साधुवाद देते हैं इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को कि उसने वो सारा डेटा डालने के लिए कहा और एक स्पष्ट तरीके से सामने आया कि किस तरह का बड़ा फ्रॉड है। तो हम सर्वोच्च न्यायालय का अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दी गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल एफआईआर ना हो, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और जो जो इसमें दोषी है सबको सजा हो। उसी तरह से हम ये भी चाहते हैं कि पीएम केयर्स में जिस तरह से पैसा लिया गया है वो स्टैट्यूटरी होना चाहिए, उसे पार्लियामेंट से परमिशन लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल सकती है। तो पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचारी कोई मेरे इर्द गिर्द खड़ा हो सकता नहीं, मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। आपके नाक के नीचे आप खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हो, मेरा सीधा आरोप है देश के प्रधानमंत्री पर। तो पीएम केयर्स ये किसी इन्वेस्टिगेशन से बाहर क्यों, ये आरटीआई से बाहर होने की वजह क्या? और जब आपने पैसा पीएसएफ से लिया है, जब आपने पैसा लोगों से लिया है, जब आपने चंदा लिया है उसमें, तो फिर आप उसका हिसाब देने के लिए डरते क्यों? गवर्नर जो है, गवर्नर हैज टेकन ए स्टैंड अगेंस्ट सिद्धरामय्या जी फॉर डूइंग एन इंक्वायरी ऑन हिम। गवर्नर शुड बी द बॉडी विच शुड नॉट बी ए पॉलिटिकल बॉडी। अगर सिद्धरामय्या जी गलत किए या सिद्धरामय्या जी के ऊपर वो मुड़ा केस है वो ठीक है, अगर केस है तो उनका भी जो कोर्ट्स है वो कोर्ट डिसीजन लेगा। लेकिन एक गवर्नर, पहले भी इधर दिल्ली में देखे, गवर्नर का काम क्या है? जो गवर्नेंस को संभालने का काम है, गवर्नेंस को सही रास्ते लेके जाने का काम है। गवर्नर का काम मुख्यमंत्री को हटाने के काम नहीं है। गवर्नर के काम बीच में दखल अंदाज करके बीजेपी का जो भी एजेंडा गवर्नर इंप्लीमेंट करने का काम नहीं है। लेकिन कर्नाटका में जो साफ सुथरा दिख रहे कि एक ही बात, एक ही सोच गवर्नर की सोच है, ये गवर्नर जो व्यवस्था है उसको ही बीजेपी वाले ने पूरा नीलाम कर दिया। जो गवर्नर का जो स्टैंड है वो स्टैंड को ही इनका डिफिनेशन ही चेंज कर दिया ये बीजेपी गवर्नमेंट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।